नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दलवीर दोसांझ और आप देख रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं एक हिंदुस्तान के ऐसे भाग में जिसमें हिंदुस्तान का सबसे महंगा आम मिलता है और मुग़ल काल के दौरान से महाराजा रणजीत सिंह के काल में ये आम जो है बहुत महंगे आम बिका करते थे। आज हम वहाँ पर इनामी बाग जो है वहाँ पर आपको लेकर जा रहे हैं। उस पर जाने के लिए आपको आना पड़ेगा, सबसे पहले पंजाब आना पड़ेगा, पंजाब से फिर आना पड़ेगा होशियारपुर, होशियारपुर से फिर हरियाणा कस्बा में आना पड़ेगा, वहां से आपको बसी उमर खां आना पड़ेगा। बसी उमर खां से जाते हुए आप जब जाएंगे तो आगे जाके आपको नहर मिलेगी, एक जो कंडी की नहर है उस पर जो ये बाग जो है इनामी बाग जो है वहाँ पर है और बहुत ही पुराना बाग है। 300-400 साल पुराने यहाँ पर आम हैं और हम आपको उसकी पूरी हिस्ट्री भी बताएंगे और सब कुछ बताएंगे। आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो डालें आपको ज़रूर मिल सके। यदि आ गए हम लोग इनामी बाग जो है बसी उमर खां हरियाणा कस्बा जिला होशियारपुर में, ये नहर है, नहर के पास ही जो है ये पड़ता है। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं इनामी बाग हरियाणा जो के बसी उमर खां में पड़ता है और आपने कभी यहां पर आना हो तो आपको आने के लिए सबसे पहले पंजाब आना पड़ेगा, पंजाब से होशियारपुर और होशियारपुर से हरियाणा, हरियाणा से फिर आपको आना पड़ेगा बसी उमर खां। वहाँ पर है इनामी बाग, वो बाग जिसको बहुत सारे इनाम मिले हैं और वो आम जो आज से 200 साल पहले और 500 रुपए किलो बिका करते थे वो वाला आम भी मैं आपको दिखाऊंगा आज यहाँ पर, क्योंकि आम हमारा जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। आम एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है और विटामिन ए और विटामिन सी के बारे में आपने सुना ही है भी कितना हमारे बॉडी के लिए ये महत्वपूर्ण है। और इसकी जो गुठली होती है आम की, उसकी गुठली में B12 जो विटामिन होता है B12, जब आपको कभी भी झुंझुनी पैदा होती है, आपके नसें कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आपके पैर सुन रहने लगते हैं, तो डॉक्टर आपको कहता है V12 आपको चाहिए। वो V12 जो है आपको आम की गुठलियों से मिलता है, वो आम जो देसी आम होते हैं, जो ऐसे बागों में से होते हैं, जो बड़े बड़े बाग हैं, पुराने बाग हैं, उन आमों की गुठलियों में से V12 भी आपको मिलता है। और दोस्तों, आज लोगों को यूरिक एसिड है, लोगों को कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल की बीमारी को भी दूर करता है आम। रोज के आप दो आम चुपोगे और मौसम के जब फल होता है, ये मौसम का फल होता है, ये देसी आम अगर आप रोज के दो चुपोगे, एक महीना चुप लो, तो पूरा साल आपका कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ेगा नहीं, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो आइए हम आज दिखाते हैं आपको यहाँ का जो इनामी बाग है वो कैसा बाग है और वहाँ से कैसी कैसी वैरायटीज हैं और किस आम को ये इनाम मिला था और कौन कौन लोग यहाँ से ये आम खा चुके हैं। आइए चलते हैं। यह है दोस्तों वो आम जिसको इनाम मिलता रहा है, मैं आपको इसकी पूरा ही दिखाता हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको देखने में नहीं मिली। आप आम तो खाते हैं लेकिन जो राजे महाराजे लोग आम खाते थे आपको वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। इस पर इस टाइम आम कभी कभी लगते हैं जी, एक साल लगता है, एक साल नहीं लगता है, तो जैसे उन्होंने बताया कि कभी कभी इसमें आम लगते हैं और ये जो आम है ये बहुत संभाल के रखते हैं और कोई और यहाँ की इस आम को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने भी इस आम को टेस्ट किया है, उसको खाया है। तो देखिए ये राजे महाराजों के जो ये आम था, राजे महाराजों ने खरीदा हुआ था। और यहाँ पर और भी बहुत सारे आम हैं और ये नहीं कि यही आम है, पर ये इसको इनाम मिलता था इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि ये भारत का नंबर वन आम था ये वाला आम, तो भारत का नंबर वन आम था। वैसे यहाँ पर बहुत सारे आम हैं और ये आम ही है, देखो आम आम ही है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो हैं आम हैं और इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे आम लगते हैं। मैं अभी आपको इसकी नस्लें दिखाऊंगा सभी कि कौन कौन सी नस्ल है यहाँ पर, और ये देखो अभी लगे हुए हैं आम। तो ये बाग जो है जिसको इनामी बाग कहते हैं, मैंने आपको एड्रेस भी बता दिया है और मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी दूंगा यहाँ का और पूरी लोकेशन बताऊंगा भी कहाँ पर है, तो आप इसको देखने भी आइए, जरूर देखने आइए। आप इतना कुछ देखते हैं, इधर उधर जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, वह झरने देखते हैं, कभी ऐसी भी जानकारी जरूर देखा कीजिए जो कि हमारे समाज के साथ संबंध है और हमारे जो इतिहास के साथ संबंध रखती हैं
आपको ऐसी चीजें भी जरूर देखनी चाहिए। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको भी कौन कौन सी वैरायटी जो है यहाँ पर आमों की है। हम लोग चलते हैं गुरप्रीत जी के पास। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस आम के नीचे जिसको इनाम मिला था बहुत आज से 100 साल पहले 150 साल पहले जब महाराजा रणजीत सिंह जी का राज था और मुगल साम्राज्य का राज था तब भी ये आम जो है ये वाला आम जो है इसके आम जो है उस टाइम में बोलते थे कि इसकी बोली हुआ करती थी। इसके आम तोड़कर दिल्ली में लेकर जाया करते थे और दिल्ली में जाकर इसकी कीमत लगती थी इस आम की। इतना महंगा आम बिकता था उस समय में आज से 100-150 साल पहले की बात है कि इस आम का आम जो है वो उस टाइम बोलते थे कि राजे महाराजे इनको खरीद लेते थे और इनकी जो रक्षा है वो इधर उधर के लोग जो है इनकी रक्षा करते थे क्योंकि राजे ने इनको खरीदा हुआ होता था। तो ये है हमारे भारत का इनामी आम। और मेरे साथ है गुरप्रीत सिंह जी जो इस बाग की देख रेख करते हैं सारा यहाँ का वो देखते हैं। वो आपसे थोड़ी सी बात बताएंगे भी इस आम के बारे में कैसा आम है ये। नमस्कार सब भाइयों को। ये भाई इनामी आम है, अभी लगे तो नहीं है। ये पीले कलर के आम होते हैं, बिल्कुल येलो जैसे होता है ना कलर जी। बहुत अच्छा खाने में बहुत मीठा आम है जी जी। और पहले जब मुसलमानों का राज था मुसलमान राजे इस आम को और महाराजा रणजीत सिंह खास तौर पे हमारे पंजाब के राजा ये आम दिल्ली लेके जाया करते थे नुमाइश में। जब आम जाया करते थे तो वहां पर जाकर इनकी नुमाइश लगती थी। दूर दूर से पंजाब से लखनऊ से लगा लो सभी जगह से आम आते थे। लेकिन सबसे अच्छा आम जो कहते हैं जी, सबसे बढ़िया आम पूरे इंडिया भर से, इंडिया पहले हुआ भी बहुत बड़ा करता था जी, ये इस आम का जो फल होता था ना वो सबसे बढ़िया आम कहलाया जाता था। इसको हर बार इनाम, बहुत बार इनाम मिला है इस आम को, तो इसका नाम ही इनामी आम पड़ गया। पहले पता नहीं पुराने बुजुर्गों ने कोई नाम रखा होगा इसका, कोई भी नाम होगा तो, पर जब नुमाइश के बाद इस आम का नाम इनामी आम पड़ गया। तो दोस्तों ये इनामी आम है और भारत का पहला इनामी आम जिनको राजा महाराजाओं ने खाया। आप रोज खाते हैं, लेकर आम खाते हैं रेडियो में से दशहरी लेकर खाते हैं। और आज गुरु जी के यहाँ पर बहुत सारे आम हैं और ये इनामी बाग इसको कहते हैं। इनामी राजे महाराजाओं का बाग जिनके एक एक जो आम है वो हजारों रुपयों में बिका करता था आज से बहुत सालों से पहले। तो आज तो ये यहाँ पर इतनी दूर दूर से जो आम लेने आते हैं, अभी फोन आ रहा था भाई साहब को इंग्लैंड से भी, इंग्लैंड भी जो है आम पहुंचा है और वहाँ के लोग इसको देखे कि यहाँ कितने अच्छे आम है। और हाँ जी देखो जी ये अंब आए इंडिया तो, इनामी बाग बसी उमर खान जिला हुशियारपुर, मेरा पिंड नूरपुरा जी भूंगे दे नेड़े हुशियारपुर जिला, ते असी अंब उत्थे गए थे इंडिया नाले उत्थे चूक गए इनामी बाग च बैठ के, ते नाले असी इत्थे अपने परिवार ले गए हैं, हुण सारा परिवार इत्थे यूके च बैठ के नाले अंब चुपूगा ते नाले आनंद माणूगा जी। ते ए देखो तुसी इनामी बाग दे अंब बसी उमर खान तो यह आलो इंग्लैंड पहुंच गए। लो जी हम बैठे हैं इनामी बाग के इस प्रोजेक्ट के बीच में जहां पर आम पड़े हुए हैं सभी, और सभी आमों की वैरायटी पड़ी हुई है। बहुत ही अच्छे आम है, मैंने को देख के तो मजा आ रहा है कि चूप के कितना मजा आएगा, वो बाद में चूपते हैं। पहले हम गुरप्रीत भाई साहब से पूछें भी कौन कौन से आम हैं जो कि यहाँ पर वैरायटी कौन कौन सी है, बस बताओ जी भाई साहब। सबसे पहले जो है इनामी आम जी जी, ये इनामी आम है जी, इसको इनामी आम है। इस आम की वजह से इस बाग का नाम इनामी आम पड़ा, इनामी बाग पड़ा इसका बाग का नाम, इस बाग की इस आम की बदौलत। ये भी चुप के जरूर देखना जी अपना काम। जरूर जरूर भाई साहब, वाह जी वाह। ये आप इसको चुप के देखो आप। इसको मैं खाता हूँ बाद में, पहले और वैरायटी देख ले कौन कौन सी वैरायटी और कितनी कितनी वैरायटी है जी हमारे पास। भाई साहब ये है सौफिया की बहुत अच्छी वैरायटी, बहुत मीठा सौंफ, इसमें से सौंफ का टेस्ट आता है पूरा। सौंफ का टेस्ट आता है, सौंफिया आम है जी ये। जी 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 वाह जी वाह। ये हमारे पास है भाई अंडा आम। अरे अंडा, इसको छील के खाते हैं अंडे के जैसे, जैसे अंडा छील लेते हैं ना हाँ, इसको सारे को छील के फिर खाते हैं, बिल्कुल अंडे जैसे नीचे से निकल आता है, इसका छिलका उतार के खाते हैं। देखो जी साथ में अंडे का काम भी करेगा, साथ में आम का काम भी करेगा, अंडा आम क्या बात है जी।
ये है भाई साहब बड़ा सौंफिया जी, इसका भी सौंफ का टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका भी और बहुत मीठा टेस्ट है दोनों का। ये भी सौंफिया है जी। जी ये भी सौंफिया आम है, देखो कितना बड़ा जी, एक पाव का है कम से कम, बहुत अच्छा आम है जी सौंफिया आम। ये है भाई साहब गोला आम जी, गोला आम हमारा। इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका भी बहुत मीठा है। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी को चुपाया मैंने ये वाला, और उसने बोला यार मुंह मेरा बहुत मीठा हो गया और कोई थोड़ा सा ना अलग टेस्ट दिखाओ, बहुत मीठा है भाई साहब। जी बहुत मीठा है जी, लोग खट्टापन भी चाहते हैं ना, जी जी जी, इसको गोला आम कहते हैं जी। हाँ जी हाँ जी, क्या बात है जी। ये भाई साहब हमारी छोटी संदूरी जी, क्या बात है जी। ये संदूरी गोली है जी, संदूरी गोली जी। इसका स्वाद कैसा होता है? बहुत मीठे है भाई साहब सभी जी, जी जितना देखने में खूबसूरत है ना, क्या बात, उतना खाने में भी अच्छा है, बहुत टेस्टी है। ये छोटी संदूरी और ये देखिए गोला संदूरी, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। ये इनसे जो है बड़ी गोला संदूरी है जी, ये छोटी थी संदूरी और वो बड़ी थी जी जी। इनके टेस्ट में भी थोड़ा थोड़ा फर्क जरूर होता है जी, यानी कि आप लोग जो आम चूसते हैं ना रेडियो में से, एक ही आम ले लेते हैं आप वो दशहरी, तो ये इनके अलग अलग टेस्ट हैं जी ये संदूरी आम। हाँ जी, ये है भाई साहब शहद की कुप्पी इनामी बाग की स्पेशल शहद की कुप्पी, बिल्कुल शहद जैसा टेस्ट और शहद जैसी मिठास है इसमें, क्या बात है जी। शहद की कुप्पी देखो, कुदरत की नियामत की देखो, आम के बीच में भी शहद टपकता है, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। ये हमारी भाई पीली छल्ली बहुत मीठी है जी, बहुत अच्छा है जी। देखो पीली छल्ली और छल्ली जैसे लग रही है और खाने में बहुत टेस्टी है, बाद में हम लोग चूपेंगे इसको तो आपको टेस्ट भी बताएंगे। तो ये है छोटी छल्ली, पीली छल्ली जी। ये लीजिए अगली वैरायटी बताइए। ये है भाई साहब इनामी आम बाग की ये भी स्पेशल वैरायटी गोली है जी, इसको बहुत मीठी है जी। अरे वाह वाह, अंदर से लाल निकलती है पूरा जी, अंदर से लाल निकलती है गोली आम जी जी, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया जी। ये तोता परी की छोटी वैरायटी है। एक तोता परी वो बड़े बड़ा होता कलम वाली जी, जी मैं बताता हूँ आपको, ये तोता परी की छोटी है, तोता परी की छोटी वैरायटी। हाँ जी, ये तोता परी का बड़ा आम है, ये तोता परी का बड़ा आम जी। जी तो क्या बात है जी, बड़े मीठे और देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं जी, तो चूपने में तो मजा आएगा। ये पतासा आम है भाई साहब, पतासा बिल्कुल ये पतासे के जैसे ना, ऐसे एक पतासा भाई साहब, आपको शायद नहीं पता हो किसी को, पतासा जो होता है वो सफेद सा होता है, जो हम लोग शादियों ब्याह में और गुरुद्वारे में मंदिरों में आपको मिलता है पुलियों के प्रसाद के साथ पतासा, उस पतासे के जैसा ये आम है और इसका कहते बहुत स्वाद होता है, जैसे पतासा मीठा होता है ऐसे ये आम मीठा होता है। ये है भाई साहब हमारे बाकी छल्ली संदूरी पहले बहुत मीठी है, पहले छल्ली पीली छल्ली आई थी, फिर आप संदूरी आ गई जी, अब संदूरी छल्ली आ गई, संदूरी छल्ली। देखिए जी कितने कितने नाम है, टेस्ट अलग अलग और नाम कितने जी। ये है संदूरी छल्ली, क्या बात है जी। और कौन सी वैरायटी इसमें रह गई अपने पास? और भाई लंगड़ा पड़ा है, लंगड़ा, हाँ जी लंगड़ा भी दिखा दीजिए, लो लंगड़ा आम भी है जी, देखिए ये लंगड़ा है जी, ये लंगड़ा आम है जी। कहते लंगड़ा आम इतना मीठा होता है कि खाने वाले ना भी कहते भी इतना मीठा नहीं, इसमें थोड़ा सा ना खट्टा मिला दो, इतना मीठा होता है ये लंगड़ा आम, क्योंकि मैं खाता रहता हूँ। अब हम लोग ना टेस्ट करेंगे ये वाला आम, ये जिसको इनाम मिला था और इनाम इसको बहुत साल तक इनाम मिलते रहे पुराने समय में, और आपको जैसे बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी इस आम को खाया यहाँ से आकर, और एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की रानी है उसने भी खाया, और बहुत सारे और ऐसे जो बुद्धिजीवी बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर, बड़े बड़े ऑफिसर आर्मी के ऑफिसर यहाँ पर आके इस आम को खाने आते थे, बड़ी दूर से, यहाँ से नहीं विदेशों से भी आते थे इस आम को खाने के लिए। इस आम की कीमत आज से यानी कि 100 साल पहले 500 रुपये किलो होती थी, तो आज के हिसाब से ये आम कितने का मिलेगा ये आप हिसाब लगा लीजिए। ये है यहाँ का इनामी आम और दुनिया का सबसे मीठा आम, जिसको इनाम मिला करते थे। हम इसको चूसने लगे क्योंकि आम उनके पास एक ही है, ये वीडियो बनाने के लिए हमने एक ही आम रखा था क्योंकि बाकी आम जो है यहाँ पर बचता ही नहीं है, और जो इस टाइम कम लगे हैं
और बचता ही नहीं है ये आम, और बहुत सारे आम है यहाँ, आप भी देखने आइए कभी भी यहाँ पर, आमों को देखना है, अपने बच्चों को जरूर दिखाइए। आपने कहाँ पर आना है, आपने सबसे पहले पंजाब में आना है, पंजाब में आकर होशियारपुर में आना है, होशियारपुर से आकर हरियाणा में आना है, और हरियाणा से पूछना है हमने जाना है बसी उमर खां और इनामी बाग में, तो आप बसी उमर खां आएंगे, उमर खां से आप इनामी बाग में यहाँ पर आ जाएंगे और आपको इतने सारे आम यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि आप दंग रह जाएंगे। इतनी वैरायटी होती है आमों की, इतने स्वाद होते हैं, कुदरत की नियामत है, कुदरत का फल है, और इसीलिए इसको भारत का राजा कहते हैं, राजा फल, भारत का राष्ट्रीय फल कहते हैं। और ये आम है वो वाला आम जिसको मिला था महाराजा रणजीत सिंह से इनाम, और बहुत सारे लोगों ने इसको चूसा है। अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं कि ये है कैसा। जी वाह, अरे ये इतना इसमें इतने स्वाद आ रहे हैं, तरह तरह के, कितने तरह के स्वाद आ रहे हैं इसमें जी। इसको इनामी आम कहते हैं, क्या बात है जी। हमने भी राजा महाराजा जूपा, आज हमको भी मौका मिल गया, तो क्या बात है जी, बहुत बढ़िया जी। गुरबीर जी तो मजा आ गया, बहुत बढ़िया।